आयुष्मान खुराना की फिल्म आर्टिकल 15 28 जून को रिलीज होने वाली है। दो दिन बचे हैं एंड थ्रेट्स पे थ्रेट्स मिल रहे हैं। मेकर्स को, थिएटर ओनर्स को भी थ्रेट्स मिल चुके हैं कि अगर आप ये फिल्म दिखाओगे वी नॉट गोना हैव इट इजी फॉर यू। एंड इट्स क्वाइट सैड कि अब तक पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई है और ये सारे थ्रेट्स जो है वो हर जगह आ चुके हैं, इवन ऑन सोशल मीडिया। एब्सोल्युटली, बहुत ही फ्रिवलस है जब भी इस तरह के पिटिशन फाइल होते हैं। और यहाँ पर सिर्फ पिटिशन फाइल नहीं हुआ है, यहाँ पर डेथ थ्रेट्स दिए जा रहे हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट द मूवी इज। The makers and Ayushmann Khurrana have themselves come out and said कि यार एक बार movie देख लो उसके बाद come and talk about it। और हम भी इस show पर बार बार कह रहे हैं कि if you guys have a problem we will address it। The media addresses every point अगर वो किसी भी religious political sentiment को hurt करता है, but we have to give the movie a chance to at least come out। And of course there are a lot of discussions that we have to do because ये frivolous इस तरह की जो topics या conversation शुरू हो जाती है around a movie, the fact is that the freedom of expression is getting curbed with every such movie release। I think it's a very hard pressing subject। Aur hamare sath jude hain movie ke director Anubhav Sinha in conversation with Zoom correspondent Sandesh Agate। Let's hear the phono। Article 15 ko lekar काफी विवाद हो रहे हैं। कुछ कम्युनिटीज ने फिल्म को अपोज किया है, थिएटर्स में स्क्रीनिंग रोकने की धमकियां दी हैं। फर्स्टली तो मुझे आपसे पूछना है, आपने लाइक ये सब्जेक्ट पे फिल्म बनाई है, डिड यू एक्सपेक्ट दीज इश्यूज टू अराइज यू नो बिफोर हैंड? नॉट एट ऑल। ओके, नहीं मतलब फिल्म में ऐसा कुछ है ही नहीं ना, तो मेरे को ऑब्वियसली कहां से मुझे अचानक क्या मतलब आपको अभी हमने सुना है कि आपको काफी थ्रेट्स मिल रहे हैं, इज इट डॉन्टिंग यू नो टू लाइक अभी दो तीन दिन में रिलीज हो रही है फिल्म, आपका क्या रिएक्शन था व्हेन यू वर गेटिंग ऑल दीस काइंड ऑफ मैसेजेस एंड लेटर्स फ्रॉम दीस वेरियस कम्युनिटीज, यू नो हाउ डिड यू टेक इट? पता नहीं, वो कुछ लीगल नोटिसेस आते रहते हैं, मेरे लीगल डिपार्टमेंट उनसे डील करता रहता है और फिर वो कुछ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे जान से मारने की धमकी देते रहते हैं, राइट, जिससे मेरा परिवार थोड़ा परेशान होता है, लेकिन उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। थैंकफुली मेरा बेटा थोड़ा ब्रेव है, ज्यादा ठीक है जब कोई नहीं तो बस ठीक है, मतलब वो मेरा विरोध करते मैं उनका विरोध करता हूँ, बोली मैं करनी सेना का विरोध करता हूँ। तो अभी फिल्म को लाइक व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, लाइक आपको थिएटर ओनर से या पुलिस से यू नो किस तरह की असिस्टेंस या कोऑपरेशन मिल रही है, अगर आप कुछ बताएंगे उसके बारे में? नहीं, नहीं पुलिस जैसा कुछ है नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं तो पुलिस के पास गया नहीं और पुलिस मेरे पास नहीं आई। हाँ, तो पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कुछ एक थिएटर वाले हैं जिनको ये लोग जाके ऐसा कुछ डरा देते हैं, वहां पे चिट्ठी चिपका देते हैं कि हम आग लगा देंगे, हम तोड़ देंगे, right। और बस ऐसा है कुछ, पता नहीं। आई लाइक टू बिलीव दैट यू नो दिस विल फेड आउट इन टाइम, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अटेंशन सीकिंग एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई एम नॉट इवन डूइंग इंटरव्यूज ऑन दिस बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गिव इट एनी मोर अटेंशन देन इट actually deserves। But also you know like I just want to ask you because aapne like your last film was Mulk which was also very appreciated by the audiences, you know, but is it like these things that happen, you know, is it discouraging for a filmmaker to make films on real issues? Matlab next time, of course it is you know the film is to be judged by the censor board whether it is fit for public viewing or not, correct, and that censor board is not a private body, it's a statutory autonomous body, correct. Now if that censor board has deemed it fit to be viewed by the audience under the category UA, not even adult, right, then there is no body that should have any right over it. So the government should protect the CBFC decision. True. So it's not for me to go and stop these people, it is for the local governments in various states wherever it's happening to shut them up. और I also read that censor board ने कुछ negligible cuts किए हैं which you were fine with, if I'm not wrong, can you tell us something about that, like what was that like? The 3-4 minor changes that the board asked for were very 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 small. That is something as insignificant as please also put a voiceover on the disclaimer, which happens in a lot of films. Yeah. So they were very acceptable. I mean, it took me like 30 seconds to say, I mean, it took him 25 seconds to explain those 5 changes to me. Mm. And it took me 5 seconds to say yes. Right, right.
Also, lastly, how, like what आपको negative तो we talked about, but positive आपको क्या कुछ लोगों के wishes या compliments आ रहे हैं? Because the trailer was loved, as we all know, by you know a lot of larger section of the audiences. What are the kind of wishes or compliments are you getting from the audience? Fantastic response from a lot of colleagues who I showed the film to. Mm-hmm. And like you know, the film premiered, they opened the London Indian Film Festival on the 20th. So there's a packed audience in the theater who saw the film. They loved it. Mm-hmm. You know, they applauded the film and they personally came to me and said a lot of wonderful things. Then the film screened also in Birmingham. Yes. And there too, I got a fantastic response. So the critics have started seeing the film. Hmm. Some of the critics have tweeted, which is wonderful. Hmm. So yeah, all good. Very happy with the film. Very happy with the response. Well, I agree with Anubhav Sinha, जहाँ वो कह रहे हैं that the threats must stop and you can't bully a director every time they try and come out with a subject which are related to social issues in our country. And I think directors must not be bullied like this. And I think everyone has a creative space and creative freedom. लेकिन जहाँ पर Anubhav Sinha कह रहे हैं that I don't know how to deal with this, you know, ये जितने threats आ रहे हैं, ये करनी सेना आकर सामने बोल रही है, there is a Brahmin outfit that's you know opposing this film's release. He's saying I don't know what to do about it. I think they can do something. अगर वो पुलिस पर जाकर इससे दर्ज कराए इस कंप्लेन को, कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है, because you can't just walk around and give anyone a death threat, even if it's social media. Absolutely. I think he does have a fair point here. जब वो कहते हैं कि यहाँ पर जब मूवी की रिलीज होने वाली होती है, there are hundreds of things that you want to do. And of course, he could be hard pressed for time. लेकिन उसके बावजूद भी, like you are saying, क्योंकि वो एक ऐसी position पे हैं, because he also has the responsibility of setting a precedent. He's also setting a precedent of कि यार किसी भी तरह से आने वाले किसी डायरेक्टर पर इस तरह का दबाव नहीं पड़ना चाहिए. एंड वी हैव सीन इन द पास्ट आल्सो दिस इज मल्टीपल टाइम्स हैपेंड एंड इट्स अगेन हैपनिंग इफ वन ऑफ देम डजंट रियली टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टेप. एंड ऑफ कोर्स बिकॉज वी हैव आल्सो बीन अर्जिंग द मीडिया फ्रेटर्निटी टू कम टुगेदर, ऑल द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स टू कम टुगेदर जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर हम आज इस सिचुएशन को स्ट्रांगली कंडेम करेंगे और स्ट्रांगली इसके अगेंस्ट जाएंगे, they will have to rethink before coming. And I think the court have also in the past taken very stringent actions to make sure True. That such kind of petitions are not taken lightly, and whoever has come with those petitions are dealt with a heavy hand. Aur uske baad bhi I do understand where he could be, jahan pe wo soch rahe hain ki mere paas already itni sari cheeze hain, sochne I know he is in that zone where he is trying to not give it any kind of hawa. Wo keh rahe hain ki mujhe I'm kind of ignoring this because it doesn't exist for me sorts, jahan par he is trying to focus on his film, which is fair. Lekin agar हमने यहाँ पर आवाज़ नहीं उठाई तो ये हमेशा ऐसा ही होता रहेगा एंड विल ओनली बी ऑन द कंप्लेनिंग साइड बट नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज इन द पास्ट एवरी फिल्म दैट हैज कम आउट हैज काइंड ऑफ बीन इन दीज काइंड ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी समवेयर ऑर दी अदर. और अगर आपने इस पर आवाज़ नहीं उठाई, एक्शन नहीं लिया, तो फिर कौन उठाएगा? एब्सोल्युटली. एंड कॉन्फ्रेंसेज एंड टॉकिंग एंड गिविंग इंटरव्यूज इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट. द डे Anubhav Sinha फाइल्स अ लीगल कंप्लेंट, आई एम श्योर द जस्टिस विल बी स्ट्रॉन्गर. द सैड रियलिटी इज दैट इट विल बी स्ट्रॉन्गर. Media will come support you and we will come support you. But I think the legal way has to be taken here. There is no easy way out.